हेलो एवरीवन, मिशाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में वैसे तो आपको थंबनेल वगैरह से पता चल गया होगा, यस हम करने वाले हैं अमेज़न विंटर वेयर हॉल। सो बेसिकली ये मेरा पार्ट 3 होगा विंटर वेयर पे, बिकॉज इससे पहले भी मैं अमेज़न के 2 वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने विंटर वेयर आपको दिखाया था। सो बेसिकली ये होगा पार्ट 3, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बस अगर आपने प्रीवियस तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है विंटर वेयर वाला अमेज़न का, सो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ना गाइस, मैंने अमेज़न के काफ़ी सारे होल वीडियोज किए हैं, सो मैंने ना उनके प्लेलिस्ट बना दिए ताकि आपको यू नो चैनल पे जाके ढूंढनी ना पड़े एक एक वीडियो। तो मैं ना जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस देखी है ना, तो मैंने ना हुडीज जो स्वेटशर्ट होती है ना, जैकेट्स होती है, वो नहीं ली थी। बेसिकली मैंने वो ली है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये अमेज़न का जो ब्रांड है ना सिंबल, उसका ये स्वेटशर्ट हुडी, ओके हुडी, ठीक है। तो ये मरून इन कलर है, बट आई थिंक आपको ना 16 to 17 कलर मिल जाएंगे। इसमें ना मेरा साइज, मैंने ना इस बार थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है, क्योंकि जो हुडीज होती है ना वो मैं मेरी मम्मा शेयर करते हैं, सो मैंने ना एक साइज बड़ा लिया। मुझे वैसे स्मॉल साइज की हुडी आती है, बट मैंने ना मीडियम साइज लिया है, सो दैट कि मैं और मेरी मम्मा दोनों ये हुडीज वेयर कर सके। अच्छा, इसमें ना एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 4XL तक साइजेस अवेलेबल हैं। सो मैंने ना ये 549 में लिया था। अभी पता नहीं प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, सो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ना यू इस तरीके की जिपर मिलती है, जिपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसमें है पॉकेट्स। सो यहाँ पे ना फ्रंट पे आपको 2 पॉकेट्स मिलती हैं, लाइक बेसिक हुडी में जो होती है, एकदम प्लेन कलर की है। एंड मुझे ना प्लेन हुडीज बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ना ज़्यादा यू नो प्रिंटेड और समथिंग कुछ वैसा नहीं ज़्यादा पसंद, सो मैंने प्लेन वाला ही चूज़ किया है। मैंने ना पहले एक सिंपल ब्रांड ट्राई करा है, एंड उसके स्वेटर बहुत ज़्यादा वॉर्म कोजी होते हैं, एंड क्वालिटी बहुत सॉफ्ट होती है, एंड यू नो ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ती। वॉर्म थी जो मैंने पहले वाली ली थी, सो मैंने ये इसीलिए लिया। बट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई, बिकॉज मैंने 550 रुपये इस हुडी के दिए हैं, लेकिन ये इतनी वॉर्म नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट किया था इसको। ये मुझे लगता है शायद कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, बिकॉज इसके अंदर फ्लिक का मटेरियल नहीं है। अगर इसके अंदर फ्लिक का मटेरियल होता तो ये ज़्यादा वॉर्म होती, क्योंकि फ्लिक का मटेरियल थोड़ा यू नो वॉर्म एंड कोजी सा होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी वगैरह अच्छी है, जिपर की क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि यू नो हुडीज वगैरह की क्वालिटी ठीक होती है बट जिपर नहीं, बट नो जिपर की क्वालिटी भी मुझे A1 लगी। एंड गाइस, सबसे अच्छा पार्ट पता क्या लगा, जो आपको ये हुडी मिल रही है ना, मतलब जो कैप मिल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे ना ज़्यादा बड़े वाले अच्छे लगते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे से सिर कान वगैरह सब ढक देता है। सो या तो मैंने फर्स्ट ये लिया था। ओके, जो मैंने सेकंड हुडी ली है वो ऑलिव इन कलर है। तो पहले मैंने ये ऑर्डर करी थी, उसके बाद में मुझे अमेज़न का पता चला कि अमेज़न का जो सिंबल ब्रांड है, क्योंकि मैं सिंबल के पहले भी स्वेटर्स वगैरह ट्राई कर चुकी थी, तो मैंने जब देखा सिंबल ब्रांड ने भी स्वेटशर्ट वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इनके स्वेटर्स वगैरह की क्वालिटी तो अच्छी थी। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यू नो इनको फैब्रिक पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज इतना मुझे वॉर्म नहीं लगा वो। तो फिर उससे पहले मैंने ये वाला लिया था, और इसका ब्रांड आई थिंक वेयर योर ओपिनियन समथिंग लाइक, आई डोंट नो, वेयर योर ओपिनियन करके ब्रांड है। एंड जैसे कि मैंने ये वाला ओलिव कलर भी लिया, तो यहाँ इसमें आपको टोटल 6 कलर अवेलेबल है, एंड इसमें भी मैंने मीडियम साइज लिया है। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ, ये मीडियम सही साइज है, बट जो ये वाला मीडियम साइज है ये थोड़ा सा टाइट यू नो टाइट है एज कम्पेयर टू उस वाले के, ठीक है। ओके, तो इसमें भी आपको, क्योंकि ये हुडी है फॉर श्योर, कैप तो मिलेगा ही, ठीक है। फ्रंट पे इस तरीके का जिपर है, एंड जिपर की क्वालिटी अच्छी है। इसमें भी आपको फ्रंट पे ना 2 पॉकेट्स मिल जाती हैं, फुल स्लीव है, एंड यहाँ पे आपको रिबन वाला जो वर्क होता है जिससे थोड़ी ग्रिप आती है, यहाँ पे टाइट सा लुक आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है, एंड नीचे की तरफ भी है, ठीक है। इसकी कैप भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, एंड इसमें आपको डबल फैब्रिक मिल रहा है, सो ज़्यादा प्रोटेक्शन यू नो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज फिर सिर वगैरह पे ठंड नहीं लगेगी।
ये वाला भी एकदम प्लेन है, बिकॉज जैसे मैंने बोला मुझे ज़्यादा प्रिंटेड एंड यू नो कुछ बना वगैरह वो मुझे इतने हुडी में पसंद नहीं है, बिकॉज मैं ना ऐसे प्लेन में ज़्यादा यू नो कंफर्टेबल हूँ, यही मेरा जोन है, मैं ये ऐसे ही ज़्यादातर वेयर करना पसंद करती हूँ हुडीज। ओके अब बात करते हैं क्वालिटी की, ये वाला ज़्यादा कोजी है एज़ कम्पेयर टू इसके, तो मैं ये बोल रही थी आपको क्योंकि इसके अंदर ना फ्लीका मटेरियल है, एंड जो फ्लीका मटेरियल होता है ना वो आपको वॉर्म एंड कोजी रखने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका। अच्छा, इसका प्राइस है 599 रुपीज़ एंड इसमें भी साइज है मीडियम। सो फिर मैंने ना सिंपल ब्रांड का ही मैंने एक पुलोवर लिया है, ये टर्टल नेक वाला है। सो यहाँ पे ना मैंने आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत लाइट वेट है ये, एंड ना बट ये गर्म है। इसमें मैंने साइज लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल, सो मैं ना पिक्चर दिखाऊंगी, बाकी मैंने बाकी ये पहने हुए कैसे लगते हैं वो तो आपको दिखेगा ही, तो आप ना इसमें साइज कैसे कर सकोगे, क्योंकि जो मैंने पिक्चर में देखा था ना साइज पे तो ये थोड़ा सा लूज ही लग रहा था। सो फिर मैंने सोचा कि सबसे छोटा जो साइज है ना वही लेने में ज़्यादा भलाई है। तो मैं ना पिछले मैंने एक पहले भी टर्टल नेक वाला टॉप लिया था, वो भी गर्म था, बट वो वाला ना थोड़ा टाइट था, लाइक यू नो बॉडी हगिंग काइंड ऑफ टॉप था वो भी गर्म था बाय द वे स्वेटर, बट ये वाला ना थोड़ा लूज है। मुझे ना मैं ज़्यादा टाइट कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो मैंने ना फिर ये वाला वो भी ऑर्डर कर, ये वाला थोड़ा सा लूज है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, मटेरियल है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, एंड वेयर करने पे बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल वगैरह फील नहीं होगा। मुझे मिला है 531 में। सो मैं ना यू नो विंटर वेयर करती हूँ, लेकिन मैंने कभी कैप वगैरह ऑर्डर ही नहीं करी, तो फिर मैंने एक कैप ऑर्डर करी है। सो ये ना नोटी ब्रांड की है, ये बिनी है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा यू नो वर्क करा हुआ है, वर्क मतलब जो नीट वाला वर्क होता है ना वो है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है, बिकॉज के अंदर ना फर वाला मटीरियल लगा है जो ना यू नो आपको वॉर्म एंड कोजी रखेगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी इसमें। फिर मैंने ना इसमें गाइस येलो कलर पिक किया, बिकॉज मैंने ज़्यादातर इससे जो पहले पार्ट टू विंटर वेयर दिखाया था उसमें सब कुछ ब्लैक था, मैंने सारे ब्लैक स्वेटर दिखाए थे उसमें, सो मैंने सोचा कि ब्लैक ही कैप लेते हैं, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट ना न्यूट्रल कलर होते हैं जो सब आउटफिट के साथ चलते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा पॉपअप कलर लेते हैं, बिकॉज विंटर में ना आप थोड़े डार्क कलर वेयर कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक थोड़ा यू नो सभी का कम्फर्ट जोन होता है, बट मुझे लगा विंटर में थोड़ा तड़क मड़क चलता है, तो फिर मैंने फिर ये वाला ऑर्डर कर दिया, ये येलो कलर की है। और भी कलर आते होंगे, आई डोंट नो, मुझे येलो दिखा सो मैंने ले लिया। ये नोटी ब्रांड की है गाइस, अगर आपको ना वैसे तो ना इसको आप ऐसे पहन सकते हो, राइट बहुत फनी लग रहा है, ठीक है मैं पहनूंगी नहीं, बाल खराब हो जाएंगे, तो ये फ्रंट की तरफ आएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो नेम के साथ, ठीक है, तो आप ऐसे वेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको उल्टा करके वेयर कर लो, तो फिर इसमें ना ब्रांड का जो नेम है वो विजिबल नहीं होगा, और क्योंकि ये बिनी है तो फिर ये ना पीछे की तरफ ऐसे कवर हो जाएगी, तो ब्रांड का नेम पीछे से विजिबल नहीं होगा, तो ये अच्छी ट्रिक है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ना एक रेडमी ने परचेज किया है, ओके सो ये रेड इन कलर है, एंड ना इसमें ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं, सो मैंने इस तरीके का कभी कुछ ट्राई नहीं किया था, सो आई थॉट कि ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, बिकॉज ये बहुत क्यूट लग रहा था साइड पे, एंड ना इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं छोटे बड़े कुछ काइंड ऑफ, एंड बहुत कूल लगता है ये। तो बेसिकली मैंने पता क्यों परचेज किया था, बिकॉज मैंने सोचा कि ना क्रिसमस पर एक वीडियो अपलोड करेंगी जिसमें मैं क्रिसमस स्पेशल हेयर स्टाइल शेयर करूंगी, बट ना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं हेयर स्टाइल वगैरह वीडियो शेयर कर सकूं, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारा वर्क था जो पेंडिंग पड़ा था, मुझे उसको पहले कंप्लीट करना था, सो वो रह गया, ठीक है रखते हैं, काम आएगा कभी, एंड नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे, बट इस टाइम पे मैं नहीं बना पाया। गाइज सारे प्रोडक्ट की परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एज वेल माई होल स्टॉक का भी आपको लिंक मिल जाएगा। गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेटेड हूँ एंड ऐसी प्यारी प्यारी अमेजिंग सी वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोज के लिए। सो मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।